हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे हम भौतिक विज्ञान का जन्मदाता कहते हैं। हम बात कर रहे हैं महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन की। इस महान वैज्ञानिक का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म शहर में हुआ था। जब अल्बर्ट आइंस्टीन 1 साल के थे, तभी उनका परिवार म्यूनिख चला गया। आइंस्टीन का बचपन भी वहीं बीता। बचपन में अल्बर्ट बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। उनकी माँ को पियानो बजाने का बड़ा शौक था और अपनी माँ की देखा देखी उन्हें भी पियानो बजाने का शौक हो गया था। बचपन से ही आइंस्टीन की वैज्ञानिक उपकरणों में बहुत रुचि थी। अल्बर्ट गणित में तो बहुत तेज थे, लेकिन अन्य विषयों में वो उतने तेज नहीं थे। जब अल्बर्ट 15 साल के हुए, तब उनका परिवार इटली चला गया। वहाँ से इन्हें पढ़ने के लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख विश्वविद्यालय में भेजा गया, जहाँ आइंस्टीन की प्रतिभा का वास्तविक विकास हुआ। भौतिक विज्ञान और गणित में वे प्रतिभाशाली छात्रों की गिनती में आ गए। सन 1900 में उन्होंने अपनी शिक्षा समाप्त की। वैसे तो अल्बर्ट आइंस्टीन को अध्यापक बनने का था, लेकिन विचारों के अनुकूल उन्हें अध्यापक का पद न मिल पाया। हार कर उन्होंने स्विट्जरलैंड के एक पेटेंट ऑफिस में नौकरी कर ली। उन्हीं दिनों उन्होंने यूगोस्लाविया की नेलिवा मैरिक नामक विज्ञान की एक छात्रा से प्रेम विवाह कर लिया। आइंस्टीन के 2 बच्चे पैदा हुए। नौकरी के अतिरिक्त आइंस्टीन को जितना समय मिलता था, उसमें वो भौतिक विज्ञान की जटिल समस्याओं का अध्ययन किया करते थे। सन 1905 में उन्होंने अपने अनुसंधानों से संबंधित 5 लेख छपवाए और इन लेखों में भौतिक विज्ञान की नई विचारधाराओं को प्रस्तुत किया गया था। इन लेखों से आइंस्टीन विश्व के उच्च कोटि के वैज्ञानिकों की श्रेणी में आ गए। सन 1916 में उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। ये सिद्धांत इतना जटिल था कि इसे विश्व के केवल 4 वैज्ञानिक ही समझ पाए। इस अनुसंधानों के उपलक्ष्य में सन 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इतना ही नहीं, सन 1933 में जर्मनी पर हिटलर की तानाशाही के कारण ये अमेरिका चले गए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कई लेख लिखे, जिसमें एक लेख सापेक्षता के सिद्धांत से संबंधित था। वहीं दूसरे लेख में उन्होंने पदार्थ और ऊर्जा की तुल्यता का सूत्र दिया था। इसी सूत्र के आधार पर सन 1945 में परमाणु बम बनाया गया। सारा संसार इस सूत्र की सत्यता को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। सारी उम्र वे भौतिक विज्ञान की गुत्थियों को सुलझाते रहे और सन 1955 में इस महान वैज्ञानिक की प्रिंसटन अस्पताल में नींद की अवस्था में मृत्यु हो गई। तो देखा आपने कैसे अपनी तेज बुद्धि से एक आम सा बच्चा बेहद खास हो गया। ऐसी और अधिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।